आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं रूबरू इंडिया। आपको बताते हैं, कोटेदार के खिलाफ लामबंद होकर ग्रामीणों का तहसील में हंगामा, एसडीएम को दिया ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें, रानी क्षेत्र के श्रीपुर ग्राम से लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाएं व पुरुष रानीगंज तहसील पहुंचे, जहां पर हंगामा करते हुए अपने कोटेदार जिनका नाम तारा देवी है उनके खिलाफ लामबंद दिखे। उनका आरोप है कि तारा देवी जो कि कोटेदार हैं पसरामपुर श्रीपुर ग्राम की, वो गरीबों का जो राशन मिलता है वो हजम कर जा रही है। लगभग 2 दर्जन महिलाएं पहुंची थी। हमारे सहयोगी उनसे बात की, देखिए क्या कुछ कहना है उनका, और साथ में वहां के मौजूदा ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे, उनसे भी खास बातचीत हुई, देखिए। नहीं नहीं बोलिए, क्या क्या नाम है आपका? फूला देवी। कहां से आई है? श्रीपुर। क्या मामला है? राशन नहीं मिलता है। राशन? हाँ। कौन कार्ड है? ललका कार्ड के कहा, कुछ दे थी कार्ड? नहीं, कुछ मिला था? कुछ नहीं मिलता है, हाँ? कुछ नहीं दे। क्या नाम है? सबका श्रीपुर। कोटेदार क्या नाम है? तारा देवी। तारा देवी, कब से राशन नहीं मिल रहा आप सबको? हर महीने का 25-30 आदमी का घपला होता है, 2 दिन महीने में बढ़ता है बस। क्या कहते हैं आप सबको? बोलते हैं चोरी हो गया है, कभी गवर्नमेंट नहीं देना है, सुबह कार्ड दिए है, तेल नहीं मिलता है, चना नहीं मिलता है, नमक नहीं मिलता है, गाड़ी देती मारो पर अभी। हां, गाड़ी तो दिन मारो दौड़ाती है। कल भी अभी बता गाली दे रहे थे। क्या यहां यहां क्या करने आए हैं आप? कंप्लेन दिए अभी? कंप्लेन दे दिए? तो क्या क्या मामला है? राशन नहीं देती सर। कौन? कोटेदार? कोटेदार हैं? कौन से गांव से हैं आप? क्या नाम है? हाँ, सुभा देवी। तुम्हारा क्या नाम है? आपको भी राशन नहीं मिल रहा है? नहीं। कब से नहीं मिल रहा है? अरे 2-3 महीने से राशन बिल्कुल नहीं मिलता बाटा। 3 महीने से? हाँ, 3 महीने। क्या नाम है? वर्षा। मिल नहीं मिल रहा आपको भी? नहीं मिल रहा? नहीं नहीं। एक दो यूनिट कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला। झोला फेंक दे, काल मारे दौड़े नहीं। हाँ, राशन लाए, चोरी हुई की बात, तेल लाए भी नहीं, बहुत इसलिए नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? हसीन अख्तर। क्या है आप? प्रधानपति। क्या मामला है आपके साथ? बड़ी संख्या में आपके ग्रामवासी आए हैं। दाना नहीं बांटता है कोटेदार। हाँ। उसको गाली देता है। अच्छा, ये सब जाते हैं तो फिंगर लगवा लेता है। हाँ। उसके बाद कहता है कल आना, परसों आना, यही कहता है। हर महीने की बात है, आज 4-5-6 महीने से कभी 10 किलो 5 किलो चावल देगा, कभी 2-4 किलो दे के बगदा देगा, उसके बाद भगा देगा, तेल ओल के देता ही नहीं है। अब गाली भी देता है, दारू पी के आता है। तो क्या नाम है उसका? वो उसके लड़के, एक तो नाम तो क्या नाम है उसका, नाम तो नहीं याद है उसके लड़के, लेकिन कोटेदार का, कोटेदार है, महिला है, तारा देवी नाम है। अच्छा। हाँ। गांव कौन सा है? गांव पसरामपुर चौहरजन है। चौहरजन। हाँ। तो अभी आपके साथ बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण जो आए हुए हैं वो तहसील में, बड़े क्या करने आए हैं? दाना यही कोटा नहीं मिल रहा है, उसको दाना नहीं मिल पा रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। इसमें कितने विधवा भी है, बच्चे, खेत बाड़ी भी नहीं है इनके पास, ये लोग इसी पे आश्रित हैं, इन लोगों का, कोटे के दाने के। कौन है विधवा? ये है। आप कोई घर कमाने वाला है? नहीं, क्यों नहीं कमाने वाला, छोट एक लड़की है 8 साल। तो राशन जब लेने जाती है तो क्या कहते हैं? बात है नहीं, भाग गया राशन न दे भाई। अच्छा। गरियावत है कहीं, ये भाग गया प्रधान मादर को नहीं देवा दे ही, मार रोवन उखाड़ पे ही, तेल तो कभी ना दे यहाँ, इतना दिन से तेल मिलता है, खाली वह चावल गेहूँ वो दे ही, सोचे देवो नमक नमक तेल और चना मिलता है, मिला है हमारे सामने चल कुन के बयान कह दिए। हाँ। कमजोरी आई ना, अजय आदमी जय आदमी यहाँ जाए के अपन कार्ड अपन दिखाई के ले लेता है, औखा लगाएंगे मेहरारू कहीं बाहर बैठे का खुआई, दो लड़के कमाई वाला ना है, जब वह सहारा सरकार देता है तब ना
दवाई की मिला था ना करी तब बताओ ये हाल बात है सिरपुर में चोर चल अबे काल काल है गरिया के भगाए देने लौट के दिन भर में कहीं जा ना जा पर घर जा ये राशन ना मिले जब वही सहारा बाटे की मिले लड़कियों अपन की आई वो ना मिला था क्या नाम है आपका हां सुनीता नाम है सुनीता गांव सिरपुर सिरपुर गांव